पूरे देश के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में तिरंगे की सलामी ली और इस मौके पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को ड्रग्स से मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों की भी सहभागिता जरूरी है। सेक्टर में जो ह्यूमन रिसोर्स का जो गैप था, जो डेफिसिट था, उसको भी हम लोग ने 33% से लेके अभी 6% तक हम लोग ने लेके आया है। हम सबको पता है कि हमारा अरुणाचल में हेल्थ क्षेत्र तो अभी इंप्रूवमेंट हो ही रहा है, साथ साथ जो मेजर जो चैलेंज है हमारा युवा पीढ़ी जिसको आजकल सामने करता है वो है ड्रग्स का चैलेंज। इस ड्रग्स का गंभीरता को देखते हुए पिछले साल अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन साइकोएक्टिव सब्सटेंस 2021 को भी हम लोग ने लॉन्च किया है। ये ड्रग्स जो बहुत ही डेंजरस है, इसलिए मैं हमेशा आप सभी अरुणाचल प्रदेश के सभी एनजीओ, सभी सीबीओ और खास करके हमारा जो युवा क्षेत्र है, आप सभी को मैंने अनुरोध किया था कि इस ड्रग्स कल्चर को अरुणाचल से वाइप आउट करने के लिए केवल सरकार अकेला कर नहीं पाएगा, उसके लिए आप सभी का योगदान देना होगा। और पिछले एक सालों में आप सभी ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ड्रग्स को एलिमिनेट करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन साइकोएक्टिव सब्सटेंस के अंतर्गत जितने भी जो डिपार्टमेंट शामिल है, जो रोल उनको जो दिया हुआ है, सभी चैप्टर्स में वो लोग अपना अपना कार्य कर रहा है। अभी राज्य ने हम लोग ने डिसाइड किया कि अरुणाचल प्रदेश में 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर नया हम लोग एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, एक नामसाई में, एक यहाँ ईटानगर एरिया में और एक वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। वहाँ पे 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर का काम बहुत जल्दी अभी शुरुआत हो जाएगा। और साथ साथ इस ड्रग्स बिजनेस को और कंट्रोल में लेके आने के लिए पुराना जो टैक्सेस प्रोग्राम जो चल रहा है, चीफ मिनिस्टर्स नशा मुक्त अभियान, उसका भी एलोकेशन 4 करोड़ से बढ़ा के अभी 15 करोड़ तक हम लोग ने लेके पहुंचा है। पेमा खांडू ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का जो बिगेस्ट जो चैलेंज है हम सबको पता है, वो हमेशा रहा है कनेक्टिविटी क्षेत्र पर। मगर इस कनेक्टिविटी क्षेत्र 6 साल पहले हिस्ट्री, 6 साल के बाद अभी हमारा फ्यूचर बन चुका है। इन 6 सालों में कनेक्टिविटी में बहुत सारा कार्य अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मदद के कारण से। हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अभी कुल मिलाकर टीम अरुणाचल ने हमारा जितना भी जो पुराना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था, अभी सबको बनाकर हम लोगों ने तैयार कर दिया है। अभी तक हमारे पास 6 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फुल्ली ऑपरेशनल है। साथ ही साथ पासीघाट और तेजू में लास्ट ईयर हम लोग उड़ान स्कीम से फ्लाइट सर्विस से दोनों एयरपोर्ट को हम लोग ने कनेक्शन अभी दे दिया है। अभी बहुत ही जल्दी आप सबको पता है ईटानगर का जो एयरपोर्ट है, जो होलोंगी में है, उसको हम लोग बहुत ही जल्दी, केवल अभी सिर्फ कुछ ही दिन का ही बात है, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से हो चुका है। डीजीसीए का अभी थोड़ा सा क्लियरेंस का हम लोग वेट कर रहा हूँ। जैसे ही डीजीसीए का क्लियरेंस मिल जाएगा एयरपोर्ट एस्टैब्लिश को आगे बढ़ाने के लिए, तुरंत वहां से फ्लाइट सर्विस भी बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अरुणाचल सरकार, हम लोग तीनों ने एग्रीमेंट करके अरुणाचल प्रदेश के लिए 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट भी तैयार है, 76-सीटर डोनियर 228 एयरक्राफ्ट। अब एक बार ईटानगर का एयरपोर्ट बन जाने के बाद में
उन दोनों एयरक्राफ्ट के माध्यम से जितने भी हमारा दूर दराज में जो एयरजिस बना है वहां में कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी का बहुत सुधार हो जाएगा। इसके अलावा 6 अन्य जगह पर हेलीपोर्ट का भी काम हम लोग ने शुरुआत ये कर चुका है। साथ ही साथ अगर रोड क्षेत्र में हम लोग बताया जाए तो ट्रांसअरुणाचल हाईवे का काम लगभग अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है उसे हाईवे से अभी जुड़ा जा रहा है। रेलवे के क्षेत्र में आप सबको पता है कि अभी हमारा नाहरलगुन एरिया से हम लोग का रेल सर्विस बहुत पहले ही हम लोग ने शुरुआत कर दिया था। हमारा पासीघाट एरिया तक अभी रेलवे का सर्वे का काम भी कंप्लीट हो चुका है। लैंड कंपनसेशन भी वहां पे डिस्पर्स हो गया। तो मैं ईसीआर के सभी जनता को सरकार की ओर से बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप लोग ने बहुत अच्छा